आज हम आपको सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन के बाद प्रदेश में सर्व आदिवासी समाज लामबंद हो गई है। सर्व आदिवासी समाज ने खुद की सरकार बनाने का फैसला ले लिया है। उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है कि ना ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमारे मांगों को लेकर और हमारे लिए चिंतित है, इसके लिए हम खुद अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने 49 सीटें पर दावेदारी की। इससे पहले सर्व आदिवासी समाज अपने ही बैनर तले 25 सीटों पर अपने दावेदारी कस रही थी, जिसके बाद ओबीसी वर्ग से इन्हें समर्थन मिल चुका है। बता दें कि पत्थलगड़ी इस ऐलान पर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पत्थलगड़ी एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण सर्व आदिवासी समाज ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में वे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को एकत्रित करेंगे जो सरकार से नाराज़ है और विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। उन लोगों का कहना है कि 49 से ये सीट ज़्यादा हो सकती है, 3 महीने शेष है और तैयारी अभी चल ही रही है। इनकी बैठकें एक के बाद एक होने वाली है। हाल ही में कोर कमेटी का गठन करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक सर्व आदिवासी समाज करेगी। खबरें अभी और है, बने रहिए glips.in के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.glips.in।